सुप्रभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है क्लास टू विषय हिंदी और चैप्टर टू, जिसका शीर्षक है हिंदी वर्णमाला। तो चैप्टर टू आप पढ़ चुके हैं, ये हिंदी वर्णमाला, जिसमें आपने वर्ण, वर्णमाला, स्वर, इसके जो यानी वर्ण के जो भेद है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद है संयुक्ताक्षर, ये आदि के बारे में आप चैप्टर टू में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद है, आज हम इसका कराएंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें है क्वेश्चन नंबर वन यानी पाठ की समझ में कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है अ से औ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अ से औ तक के वर्ण स्वर स्वर कहलाते हैं, यानी अ से औ तक जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या चार होती है, जिसमें अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद है भाषा की समझ, इसका क्वेश्चन नंबर टू में है कि इन वर्णों को लिखिए। छ के ठीक बाद में आने वाले दो वर्ण, तो छ के ठीक बाद आने वाले क्या है? ज और झ। इसके बाद है कि र के ठीक पहले आने वाले दो वर्ण लिखना है, तो यौरो लोवा जो हम लिखते हैं उसमें रो से पहले क्या आएगा? यो, और यो से पहले म। तो यानी म और यो जो है ये रो से आने वाले, ठीक पहले आने वाले दो वर्ण हैं। इसके बाद है ढ और थ के बीच आने वाले दो वर्ण, तो ढ के बाद न और थ से पहले तो, तो ढ और थ के बीच में आने वाला वर्ण है न और तो। इसके बाद है तालाब्य स और ह के बीच आने वाले दो वर्ण, तो तालाब्य स और ह के बीच में आने वाला वर्ण है मूर्धन्य स और दंत स। इसके बाद है कि जिन शब्दों में सही मात्राएं लगी हैं उन पर गोले लगाइए, तो इसमें जो सही शब्द है उसको गोल करना है। तो चाकू में जो है क दीर्घ ऊ कार होगा, इसलिए ये सही है। इसके बाद है किधर, किधर में क हर्ष ई कार होता है, तो ये सही है। इसके बाद है लहंगा, तो लहंगा में जो है ल के ऊपर में यहाँ पे चंद्रबिंदु होती है, ये गलत है। इसमें जो है ह के ऊपर में चंद्रबिंदु होता है, तो ये लहंगा सही है। उसके बाद है ह में पकौड़ा या पकौड़ा, तो पकौड़ा होता है, तो ये क औकार जो है ये सही शब्द है, इसके यानी औ की मात्रा यहाँ पे सही लगी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर में कि इन मात्राओं वाले दो दो शब्द लिखिए, तो इन मात्राओं से दो दो शब्द बनाना है। जैसे क में है री की मात्रा वाले शब्द, तो री की मात्रा से बनाना है। जैसे कि म में री की मात्रा लगाएंगे तो मृ अग मृग, व में री की मात्रा लगाएंगे तो मृ अक्ष तो वृक्ष, तो ये दो शब्द है जिसमें री की मात्रा लगी है। इसके बाद है आ की मात्रा वाले शब्द, जैसे क आकर का, ग ज कागज और ग आकर बादल बादल, तो इसमें क आ क में आ की मात्रा लगा है और यहाँ पे ग में आ की मात्रा लगी है, तो यानी आ की मात्रा वाले शब्द है ये। इसके बाद है भाषा की परख, इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में है सही उत्तर चुनिए। क हलंत प्लस त के मेल से बना संयुक्ताक्षर है, आधा तो और को, आधा को और तो ये संयुक्ताक्षर है जो आधा को, यानी क हलंत का मतलब होता है आधा को और इसमें सटा हुआ तो, जो कि ये है। इसके बाद है रो हलंत प्लस प के मेल से बना संयुक्ताक्षर है, रो के ऊपर रेप या प में रो पदेन की मात्रा, तो रो हलंत प्लस प का मतलब होता है ये आधा रो, तो जो ऊपर प के ऊपर में आ जाएगा यानी रेप की मात्रा, तो ये सही है। इसके बाद है ग में इस शब्द में ऐ की मात्रा लगी है, तो ये है ऐनक और ये है डकैत, तो क में जो है ऐ की मात्रा लगी है इसमें, तो ये डकैत जो है ये ऐ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों इसके बाद है दिया गया पाठ से आगे, जिसमें है कि ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु वाले, यानी इसमें से ये चित्र में से तीन तीन शब्द ढूंढना है, जिसमें है ढ के नीचे बिंदु वाले में सीढ़ी, बूढ़ा और ओढ़नी, तो ये जो है ढ के नीचे बिंदु वाले शब्द है जो चित्र में आया है ये। उसके बाद है ये तीन शब्द जो है यानी रो के नीचे में ये बिंदु, जो कि एक लड़की में लड़का और पेड़ में, यानी ये ढ के नीचे बिंदु वाले वर्ण। तो आज के लिए बस इतना ही।